हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव भक्तों का मुजफ्फरनगर में आगमन शुरू हो गया है। वहीं बीती 27 जून को जनपद हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से 121 किलोमीटर जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए जनपद बुलंदशहर सयाना के शिव भक्त कावड़ियों ने जनपद की हृदय स्थली शिव चौक पर पहुंच गए हैं, जहां से भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। शिव चौक की परिक्रमा कर रहे कावड़ियों के एक समूह ने बताया कि उन्होंने बीती 27 जून को जनपद हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से 121 किलो जल उठाया है, जिसे वे अपने निवास स्थान जनपद बुलंदशहर के सयाना में स्थित मंदिर में चढ़ाएंगे। शोभित त्यागी ने बताया कि 121 किलो जल की कावड़ यात्रा वे तीसरी बार लेकर जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ ही त्यागी परिवार के 4 नौजवान मौजूद हैं, जो आपसी सहभागिता के तौर पर कावड़ यात्रा को अपने गंतव्य की ओर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। शोभित त्यागी ने हरिद्वार स्थित गंगा मेले की जानकारी देते हुए बताया कि वहां पर अभी से ही बहुत भीड़ है, इस बार कावड़ियों का बहुत हजुम जुटेगा। जिला बुलंदशहर शाना वैरा फिरोजपुर जाना है, हरिद्वार हर की पौड़ी से 121 किलो जल भरा है जी। कब भरा था ये? 27 तारीख को भरा था जी। तो 27 तारीख से आप चले हुए जल लेके? जी बोले। आज 12 तारीख हो गई है जी बोले। तो आज 15 दिन हो गए आप? 15 दिन हो गए यात्रा को बोले। रोज कितना किलोमीटर चलते हैं? 7 से 8 किलोमीटर बोले। अच्छा, कितने लोग हैं आप? हम सारे ही सभी है, पूरे समस्त त्यागी परिवार। कितने लोग हैं? 4 सदस्य। 4 सदस्य हैं। तो पहली बार ले रहे हैं कि दूसरी बार? ये तीसरा है जी मेरा। 2 साल बीच में कवर बन रही है वो, उसमें नहीं आए जी। क्या कहना चाहते हैं? ये उसका बहुत दुख हुआ जी, हमारी आस्था को उससे थोड़ा ठेस पहुंची है जी, बाबा के भक्तों को भी ठेस पहुंची है उससे, और इस बार इसी वजह से भारी मात्रा में कावड़ियाँ उमड़ रहे हैं हरिद्वार में। सबकी कावड़ यात्राओं के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितनी भीड़ होगी इस वक्त हरिद्वार के अंदर? अच्छी भीड़ है जी, अच्छा मेला है, मेला शुरू हो चुका है, बढ़िया मेला है, और इस बार हर साल की भांति हर साल से ज़्यादा मेला रहेगा। बता दें कि बीते 2 साल तक कावड़ यात्रा नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से बाबा के भक्तों को अफसोस है, लेकिन इस बार की कावड़ यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ बाबा के भक्त शामिल होंगे और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पद यात्रा करेंगे।